अगर दुनिया के सबसे मशहूर खेलों की बात की जाए और उसमें क्रिकेट का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे एक खेल जितना ज्यादा प्रचलित है इस खेल में उतना ही ज्यादा पैसा भी है और यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ी इस खेल से हर महीने करोड़ों रुपए कमाते हैं और इस मोटी कमाई के चलते ही ये खिलाड़ी न केवल महंगी महंगी गाड़ियों के शौक को पालते हैं बल्कि इन खिलाड़ियों के पास इतने महंगे घर है कि इनकी कीमत सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय खिलाड़ी सालाना कितनी मोटी रकम कमाते हैं। नंबर 10, सौरभ गांगुली प्लेस। महाराजाज बेहाला प्लेस में भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली रहते हैं और इस घर को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। बता दे कि इस खूबसूरत और आलिशान पैलेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ करीब करीब 40 कमरे हैं। हर एक कमरा दिखने में किसी 5-स्टार होटल से भी ज्यादा रॉयल है। इसी ऐशो आराम और ठाट बाट के चलते विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के इस पूर्व कप्तान के घर की कीमत आज 10 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इस पूर्व भारतीय कप्तान यानी सौरभ गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से पुकारा जाता था। गांगुली यानी दादा के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि इस घर के अलावा उनके पास और भी कई आलिशान घर है। नंबर 9, हार्दिक पांड्याज लग्जूरियस विला। आपने इस भारतीय खिलाड़ी को चोट से उभरने के साथ साथ कई सारी मैच विनिंग पारियां खेलते हुए देखा होगा। पिछले कुछ सालों में इस खिलाड़ी ने गेंदबाजों की नींद उड़ाने के साथ साथ दर्शकों का भी दिल जीता है और यही वजह है कि BCCI ने भी हार्दिक पर छप्पर फाड़ कर पैसे की बारिश की है और इन्हीं पैसों से इन्होंने अपने लिए मुंबई जैसे शहर में एक आलिशान बंगला बनवाया है। जानकारों की माने तो ये बंगला करीब 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हार्दिक ने अपने इस बंगले में जिम भी बना रखा है और ये खिलाड़ी आए दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बंगले की तस्वीरें भी डालता रहता है। इसके साथ ही इसमें कई और भी तरह की सुविधाएं हैं जो बंगले को 11 करोड़ की कीमत के पार पहुंचाती है। नंबर 8, रविंद्र जडेजा बंगलो। क्रिकेट फील्ड में आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी है जो रविंद्र जडेजा की तरह एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज की भूमिका निभा सकता है। अपने शानदार प्रदर्शन के चलते ही इस खिलाड़ी ने न केवल चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा है बल्कि लंबे समय से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई हुई है। जाहिर है कि इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन्होंने एक मोटी रकम भी कमाई है। अब ऐसा हम इसके आलिशान आशियाने के दम पर कह रहे हैं। दरअसल गुजरात का रहने वाला ये खिलाड़ी आज 4 मंजिला इमारत वाले घर में रहता है जिसमें अलग अलग सुविधाओं के साथ साथ करीब 30 कमरे हैं। कमाल है ना, रॉयल्टी और कंफर्ट वाले इनके इस बंगले की कीमत 14 करोड़ से भी ज्यादा है और इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग देखने लायक है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम से घर में रहने वाले रविंद्र जडेजा किस मुकाम पर है। एक समय पर जहां इनके पापा रिक्शा चलाते थे वही आज अपने हुनर के दम पर ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 7, सुनील गावस्कर स्प्रावा विला। आपने भले ही इस दिग्गज खिलाड़ी को ज्यादातर समय कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का हाल बताते हुए या किसी विशेषज्ञ की तरह काम करते हुए देखा होगा, पर बता दे कि एक समय पर इनकी पॉपुलैरिटी भी सचिन और विराट जैसी ही रही है। सुनील काफी बड़े खिलाड़ी है और उन्होंने अपने समय में मोटी रकम भी कमाई है। इस खिलाड़ी का शानदार विला जो आज गोवा में है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट के इलाके में फैला हुआ है। इस घर में एक्सरसाइज करने के लिए जिम के साथ साथ एक बड़े से स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। साथ ही आप भगत वाले नौकर चाकर के साथ घर में एक बड़ी सी पार्किंग भी है। इतना ही नहीं, इस घर में डांस बार जैसी सुविधाएं भी है। ऐसी टॉप क्लास फैसिलिटीज और विला की खूबसूरती के चलते ही आज इस महान खिलाड़ी के घर की कीमत 21 करोड़ के करीब आंकी जाती है। नंबर 6, सिद्धू हाउस। सिद्धू जिस तरह ये अपनी बातों से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं उसी तरह एक समय ऐसा भी था जब इस खिलाड़ी के सामने कोई भी गेंदबाज गेंद डालने से भी डरता था। सिद्धू की इसी लोकप्रियता के चलते ही इन्होंने क्रिकेट जगत में मोटी कमाई भी की और अगर उनकी कमाई का अंदाजा लगाना है तो आप इनके आलिशान घर को देखकर खुद ही बोल देंगे कि वाह, घर हो तो ऐसा। वैसे सिद्धू ने 2014 के करीब अपना घर बनाने की शुरुआत की थी और 2017 में उनका घर बनकर तैयार हो गया था। बता दे
कि आज इनके लग्जूरियस घर में सिद्धू के घर में स्पा और जिम जैसी सुविधाएं हैं और इन्हीं सुविधाओं के चलते ही इनके इस घर की कीमत 25 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 5, रोहित शर्मा'स हाउस। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन के पद पर विराजमान रोहित शर्मा ने मैदान में जितने चौके छक्के जड़े हैं उतनी ही धन वर्षा भी उनके बैंक अकाउंट पर हुई है। तभी तो अपने घर खरीदने के सपने को उन्होंने भी हकीकत बना ही लिया है। और अभी हाल ही में इस खिलाड़ी ने मुंबई के वर्ली नाम के इलाके में एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदा है। इस अपार्टमेंट में स्पा के साथ साथ स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाएं हैं। इस घर को ऐसे बनाया गया है कि यहाँ की बालकनी से खड़े होकर देखने पर अरेबियन सी का 270 डिग्री का शानदार नजारा देखने को मिलता है। और इन्हीं कारणों के चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के वक्त रोहित के इस घर की कीमत 30 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 4, विराट कोहली'स हाउस। विराट कोहली ने क्रिकेट से एक मोटी रकम कमाई है और इस मोटी रकम का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने आलिशान घर लेने में भी निवेश किया है। यही वजह है कि आज विराट ने मुंबई के वर्ली इलाके में ओमकार टावर के 35th फ्लोर पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट लिया है। विराट के पास मुंबई के साथ साथ हरियाणा में भी एक आलिशान घर है और माना जा रहा है कि इस घर की कीमत 80 करोड़ के करीब है। वैसे आपको लग सकता है कि इस खिलाड़ी का घर तो दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में काफी महंगा है। ऐसे में बता दें कि विराट पिछले कई सालों से दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में शामिल रहे हैं और इसके अलावा विराट खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर चुके हैं। जाहिर है इतनी ज्यादा कमाई के चलते ही विराट अलग अलग शहरों में महंगे घर ले पाए हैं। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर'स हाउस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के कितने बड़े खिलाड़ी रहे हैं इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुलझे हुए स्वभाव के चलते उन्हें क्रिकेट के भगवान का भी खिताब दिया जा चुका है। पर ये भगवान मंदिर में नहीं बल्कि मुंबई के बांद्रा में रहता है और जो घर इनका आशियाना है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बताया जाता है कि इस घर में कुल 5 फ्लोर्स है। इसमें से ऊपर के 2 फ्लोर्स तो इस खिलाड़ी के परिवार के लिए है और बाकी बची हुई जगह मेहमान के लिए रखी गई है। सचिन के घर में अलग अलग तरह की सुविधाओं के साथ साथ एक बड़ी सी पार्किंग की भी व्यवस्था है और यही वजह है कि आज के वक्त इस बंगले की कीमत 40 से 45 करोड़ के बीच आकी गई है। वैसे क्या आपने कभी भारत के इस मशहूर खिलाड़ी का घर देखा है? अगर हाँ तो हमें इस बारे में कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। नंबर 2, एमएस धोनी'स फार्म हाउस। जहाँ दुनिया भर के मशहूर क्रिकेटर सीधे तौर पर घर या अपार्टमेंट को खरीदने में विश्वास रखते हैं, वही धोनी बाकियों से हटकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज एक खिलाड़ी रांची के जिस घर में रहता है उसका नक्शा खुद धोनी ने ही तैयार किया है। बता दे कि इस घर में बड़ा सा लॉन होने के साथ साथ स्विमिंग पूल के अलावा कई सारी ऐसी फैसिलिटीज है जिसे देखकर आपको भी लगने लगेगा कि ये घर नहीं बल्कि कोई 5-स्टार होटल है। और धोनी के द्वारा रांची में बनाए गए इस घर की कीमत आज 40 करोड़ के करीब है। पर एक सच्चाई ये भी है कि अगर यही घर किसी बड़े शहर में होता तो इस घर की कीमत 100 करोड़ के करीब पहुंच जाती। खैर इतना तो साफ है कि जिस तरह माही का शांत दिमाग मैदान के अंदर चलता था उसी तरह उनका दिमाग मैदान के बाहर भी चलता है, वरना धोनी कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं है। नंबर 1, युवराज सिंह'स हाउस। मैदान के भीतर अपने बल्ले का दम दिखाने वाले युवराज ने अपने पूरे करियर में एक अच्छी खासी कमाई की है। ऑपोजिट टीम के छक्के छुड़ाने के साथ आज इनकी लैविशिंग लाइफ और टॉप क्लास हाउस कई क्रिकेटर्स को भी कॉम्प्लेक्स देता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस खिलाड़ी के पास 16,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ घर है जो किसी शाही महल से कम नहीं नजर आता है। करीब 25 कमरों के साथ साथ ये घर इतना बड़ा है कि आप यहाँ घूमते घूमते थक जाएंगे। इसके अलावा घर में लिफ्ट, पार्किंग लॉट, स्पा और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अब इतने सारे की फीचर्स है तो घर की मार्केट वैल्यू भी 70 करोड़ से कम नहीं है। इतना ही नहीं, युवराज के पास मुंबई के भी पॉश एरिया में एक बड़ा सा फ्लैट है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवराज की जिंदगी कितनी ज्यादा आलिशान है। तो ये थे भारत के 10 ऐसे क्रिकेटर्स जो मैदान में जी तोड़ मेहनत करते हैं और रॉयल कंफर्टेबल घर में अपनी थकान मिटाते हैं। अब आपको इनमें से किस क्रिकेटर के घर ने लुभाया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।